शोभा यात्रा और हम लोग सभी पैदल चले थे और यहाँ का इतना प्यार देखा था उस दिन मैंने कि जो भी हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं या मेरे युवा भाई हैं या मेरी भाभियाँ हैं या मेरी बहनें हैं बहुत सम्मान किया था मेरा। उस दिन के लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और आज के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस गांव की सरदारी ने जो मुझे प्यार दिया है मैं जीवन भर नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक बार चली थी ना बीजेपी की लहर, आज की डेट में छत्रियों की लहर चली हुई है। यहाँ से दिल्ली जाओ, बम्बई जाओ, कलकत्ता जाओ, उड़ीसा जाओ, जहाँ देखो छत्रियों की महासभा हो रही है। तो मेरा तो ये कहना है सभी ठाकुर भाइयों से कि ये सभा रुकनी नहीं चाहिए, जब तक हमारा स्वाभिमान वापिस न मिले जब तक ये सभाएं न रुकें, चाहे छोटी करो या बड़ी करो। आप अगर भूल कर मिस कॉल कर दोगे तो आपकी बहन बिल्कुल हाजिर है और जो भी सेवा होगी अपने समाज की सेवा करूंगी। राजनीति से मुझे लाइव किया है, मैं नेता बनूं या ना बनूं अपने समाज का प्यार हमेशा होता है। मुझे खुशी में जान दे सुन लिया है ना नहीं कर रहे बात भाई तुरंत आगे नाश्ता कर रहा हूँ आ रहा हूँ तो मेरे को नहीं जा रही चल रहे कहाँ ले जा रहा हूँ संदेश ये है बेटियों के लिए कि मेरी समाज की बेटी यहाँ तक है गलत काम से बहुत है, मेरा समाज अच्छा है। कई बार जो बार बार बोलते हैं लैब चल रही है जो पद से भटक रहे हैं वो हमारे हमारे नहीं है, बस यही याद कनेक्ट है हट जा भाई नहीं ऐसा नहीं है कि पैसा होगा तभी सारा काम होगा, पैसा ना हो आज मैं तुम्हारे गांव में खड़ी हूँ तो मैं अपने जुनून के बल से खड़ी हूँ, पैसे से नहीं खड़ी हूँ, वो तो मुकद्दर है अपना अपना, मगर जिसमें जज्बा है जुनून है वो बेटी दिल्ली हो आगरा हो बम्बई हो चाहे वो यूएसए हो उसको ठाकुरों का नाम रोशन करना तो दुनिया में करेगी। हाँ ये मेरी बिटिया है मेरी छोटी बहन लवली सी, ये इतना काम करती है मैं फेसबुक पर देखती है तो लाइक करती हूँ कि छत्रियों के लिए एक शेर भी होती है और हमेशा गुणगान करती है सभी के लिए प्रेरणा है। बोले भाई ये युवा है निकल कर आए बाहर कुछ करें, ऐसा नहीं है कि हम राजनीति करें। देखो हर आदमी के अंदर एक हर आदमी के अंदर एक कला होती है, जिस कला में आप माहिर हैं उस कला को बाहर लाओ और करके दिखाओ। अरे लाख दो लाख आदमी में आपकी गिनती तो होगी, ये शर्माना झुझकना घर में बंद रहना। मेरा सभी भाइयों से एक अनुरोध है 9 बजे भाई घर छोड़ दो सारे, चाहे तुम धक्के खाओ रस्ते में गिरो कुछ भी करो मगर घर से निकल जाओ शाम को 9 बजे घर आओ, ताली बजाओ इस बात कुछ ना कुछ करो। ऐसा भाई जी किसी को पता नहीं था कि 500 साल बाद श्री राम उसमें आ जाएंगे बंगले में, मगर मोदी जी निकले योगी जी से निकले तो श्री राम को ला सकते हैं तो ठाकुर क्या नहीं कर सकते। ठाकुर सब कुछ कर सकते हैं, ऊंची जाति के अगर ये करना चाहेंगे तो ये भारत पर विजय हासिल कर जाएंगे। जय श्री राम जय श्री राम। आपने देखा होगा कैसे सोशल लगातार बढ़ोतरी होती रहती है, तो मैं क्या कुछ कहना चाहता हूँ कई बार आपने पूछा है और आपने माफी जवाब दिया, कई बार सहमति भी जाएगी जिस तरीके से
कोई बात ना, तुम ऊपर करके ले जाओ माला का कार्यक्रम यार। इस बात पे आप लोग इंडिया का चलाओ और मुझे महिलाएं मिल गई। देखो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जेंट्सों में ही कमी नहीं है, कमी महिलाओं में भी है। बता दो ताली इस बात पर, जेंट्स की बात नहीं है, सारे महिला भी गलत है। तो ये जो मुकदमे लग रहे हैं सरासर झूठे हैं। मैंने कितने मुकदमे दिन में कटवा दिए हैं, मगर मेरा ये नेचर है कि शो अप नहीं करती, ज़्यादा दिखावा नहीं करती। मगर जितने मुकदमे लग रहे हैं 100% झूठे हैं। अगर आपको कहीं ले जाना हो मुझे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे देखे हुए हैं, बहुत बड़ी बात ये मिल सकती है। और मैं तो महिलाओं को भी बोलती हूँ, अपने की जगह महिला भी नौकरी करना शुरू कर दें, बिजनेस करना शुरू कर दें, दुकान खोल दें, पढ़ने की वो अच्छा रहेगा, जीवन भर इज्जत का बच्ची तक रहेगी। महिलाओं के लिए भी ये चीज़ है, महिलाओं काम धंधा करें, खाली न बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद।